वेलकम टू फिल्मी बीट और मैं हूं आपके साथ सोनम। हाउसफुल फ्रेंचाइजी की चौथी फिल्म हाउसफुल 4 के चर्चे इन दिनों खूब हो रहे हैं। एक बार फिर से कॉमेडी का डोज देने के लिए अक्षय कुमार आ रहे हैं। इस फिल्म की शूटिंग भी लगभग खत्म हो चुकी है। फिल्म में अक्षय कुमार के साथ साथ रितेश देशमुख और बॉबी देओल भी नजर आएंगे। फिल्म में लीड हीरोइन के तौर पर कृति सेनन, पूजा हेगड़े और कृति खरबंदा को चुना गया है। वहीं इस फिल्म की कहानी एक बार फिर से हटकर होने वाली है। दरअसल फिल्म में दो एरा यानी दो अलग अलग कहानियां दिखाई जाएंगी। फिल्म की कहानी में एक नए जमाने की कहानी होगी और वहीं एक कहानी पुराने जमाने की होगी। इस फिल्म में अक्षय कुमार डबल रोल में नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो अक्षय कुमार का एक रोल प्रेजेंट में होगा जबकि दूसरा रोल बाहुबली के समय का होगा। मतलब कि फिल्म में अक्षय कुमार महाराजा बनते हुए नजर आएंगे जो कि फ्लैशबैक में होगा। इस बार फिल्म की कहानी रीबर्थ पर होगी। ऐसे में अक्षय कुमार फिल्म में दो दो रोल करते हुए नजर आएंगे। बाहुबली काल में भी अक्षय कुमार कॉमेडी करते हुए नजर आएंगे। रिपोर्ट्स की माने तो फ्लैशबैक में अक्षय कुमार जहां महाराजा बनेंगे तो वहीं रितेश देशमुख और बॉबी देओल उनके दरबारी के रोल में दिखाई देंगे, जबकि कृति सेनन, कृति खरबंदा और पूजा हेगड़े तीनों ही राजकुमारियों के रोल में नजर आएंगी। फिल्म में अक्षय का गेटअप भी बेहद खास है। पहले हाफ में अक्षय कुमार को 16वीं सदी का राजा दिखाया गया है। इन सब में अच्छी बात ये है कि दोनों ही कहानियों में कॉमेडी का डोज दर्शकों को भरपूर मिलेगा। वहीं रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बॉबी देओल लंबे बालों में दिखाई देंगे, वहीं चंकी पांडे वास्को डिगामा के भांजे होंगे। फिल्म में जॉनी लीवर और उनकी बेटी जेनी लीवर भी दिखाई देने वाली हैं। ऐसे में फिल्म में जबरदस्त एंटरटेनमेंट देखने को मिलेगा। फिल्म में राणा दग्गुबाति भी नजर आएंगे। मीटू के चलते नाना पाटेकर फिल्म से बाहर कर दिए गए थे, इसके बाद फिल्म में राणा आए हैं। ऐसे में मीटू के चलते फिल्म के डायरेक्टर साजिद खान भी बाहर हुए हैं, जिसके बाद फिल्म अब फरहाद सामजी डायरेक्ट कर रहे हैं। फिलहाल हमारी इस रिपोर्ट में इतना ही। कैसी लगी आपको हमारी वीडियो हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।